बेटियां देश की स्पोर्ट्स वुमन, देश के खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा के अपना अपना पैर अपना अपना दामन बिछाए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और दिल्ली की सरकार के कान में चू नहीं रेंग रहे। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण किशोर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट के कोई मायने नहीं बचे? क्या भाजपा से बेटी बचाओ नारा हो गया है? क्या बेटी बचाओ के कोई मायने नहीं है? देश के प्रधानमंत्री का दिल क्यों नहीं पसीजता? मैं उन्हें हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रधानमंत्री जी इतने निर्दयी मत बनिए, भूल जाइए हमें, पर उन बेटियों की तरफ तो देखिए जिनको आप लाडते और दुलारते थे, जिन्हें कहते थे आपकी बेटी आप मेडल लेकर आई हो, आपने देश का नाम रोशन किया है, भारत का तिरंगा फहराया है, जिस बजरंग पुनिया के कंधे पर प्रधानमंत्री जी आप हाथ रखते थे, आज वो न्याय की गुहार लगा रहा है, तड़प रहा है। पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो देश के हर कोने के लोग आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को हमारे पहलवानों का दर्द नहीं दिखता? क्या ब्रजभूषण किशोर सिंह इतना बड़ा आदमी हो गया कि वो हमारी बेटियों का शारीरिक शोषण करे, वो बेटियों को मानसिक उत्पीड़न करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर एफआईआर दर्ज करवाए, परंतु न्याय की गुहार के लिए फिर भी हमारे पहलवान साथी स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्समैन तड़पते रहे? कितना और अहंकार, कितनी और न्याय की दरकार, कितने दिन और गर्मी में भूखे प्यासे ये पहलवान बेटियां और बेटे बैठे रहेंगे, उससे पहले सरकार पसीजेगी। हम हट नहीं कर रहे, हम तो हाथ जोड़कर न्याय मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने न्याय नहीं किया तो माफ कीजिए, आप बेटियों का मन दुखा रहे हैं देश की। जो देश की बेटियों का मन दुखाता है, जो खिलाड़ियों का मन दुखाता है, उसे भगवान भी कभी माफ नहीं करता। मोदी जी, आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे अगर आपने ब्रजकिशोर सिंह को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। यह आंदोलन तो चलता रहेगा, इसको तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपना खून पसीना एक करके समर्थन देते रहेंगे, परंतु सत्ता का सिंहासन डोलेगा जरूर, और जिस दिन न्याय होगा उस दिन जेल की सलाखों से बहुत आगे की सजा मिलेगी, न केवल उस ब्रजकिशोर सिंह को जिसने शारीरिक और मानसिक शोषण बेटियों का किया है, बल्कि उनको भी। वो ज्यादा बड़े दोषी हैं जो ब्रजकिशोर सिंह को बचा रहे हैं, और वो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं हैं, इसलिए हम उनसे गुहार लगाते हैं, या न्याय कीजिए और नहीं तो मान लीजिए कि आप बेटियों का शोषण करने वाले लोगों के साथ खड़े हो जी, फिर देश ही आपको बताएगा कि न्याय होता क्या है। धन्यवाद। तो मैं पूछता हूँ, जब अपराधी राक्षस ब्रजभूषण सिंह खुद कह रहा है कि अगर मोदी जी और अमित शाह कहेंगे तो वो इस्तीफा देगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा? दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह को पकड़ने की बजाय पहलवानों को धक्के क्यों मार रही है? हमारे बेटे दिल्ली पुलिस में, हमारे बच्चे भर्ती होते, पर उनको यह आदेश क्यों दिया जा रहा है कि उनकी लाठियां हमारी बेटियों और बेटों के ऊपर उठे, बजाय वो ब्रजभूषण सिंह को हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने के? क्यों चुप है मोदी जी, क्यों चुप है अमित शाह जी? जवाब दीजिए, न्याय कीजिए, और न्याय नहीं कर सकते तो फिर माफी मांगिए देश की बेटियों से, और कह दीजिए कि भाजपा से बेटी बचाओ नारा बने।